आयोजन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन ये तो हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आए और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। हमारे इस प्रयास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी, आईटीएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अपने निवेशक सहभागियों के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं अनेक नीतियों का अनावरण करते हुए मुझे आज प्रसन्नता भी हो रही है। इस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार का ध्येय निवेशक समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने एवं राज्य के सर्वसमावेशी विकास हेतु अवसरों का सृजन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। रणित रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित होने और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान भी करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। आज प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही इज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। प्रोएक्टिव इन्वेस्टर कनेक्ट हैंड होल्डिंग के लिए
हमारी सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली निवेश सारथी विकसित की है। साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी विकास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को ऑनलाइन रूप से समयबद्ध स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रही है। इसमें उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक की सुलभता बढ़ेगी। 16,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्रदेश में उपलब्ध है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 8.5%, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 57% क्षेत्र भी हमारे राज्य से गुजरता है। दोनों फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के दादरी ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध है। देश के सबसे विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के साथ नाते प्रदेश ने 13 वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेस वेज के साथ स्वयं को एक्सप्रेस वे प्रदेश राज्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे पूर्ण हो चुके हैं जबकि 7 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। एक्सप्रेस वे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास होने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। जेवर में 5,000 हेक्टेयर भूमि में विकसित हो रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। वायुमार्ग की घरेलू कनेक्टिविटी के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में 7 एयरपोर्ट्स का संचालन भी किया जा रहा है। 8 नए एयरपोर्ट्स पाइपलाइन में हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू एयर कनेक्टिविटी के लिए 20 से अधिक मार्गों का चिन्हित किया गया है। इस लाभ में वृद्धि के लिए प्रमुख पूर्वी निर्यात केंद्रों जैसे प्रयागराज तथा वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाला देश का प्रथम इनलैंड वाटरवे विकसित किया जा रहा है। इसका वाराणसी से हल्दिया तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग राज्य में पहले से ही संचालित है। समुद्री बंदरगाहों पर निर्यात होने वाले माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ड्राई पोर्ट्स के विकास को भी बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मुरादाबाद रेल से जुड़े संयुक्त घरेलू एक्जिम टर्मिनल, कानपुर में रेलवे से जुड़े निजी फ्रेट टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपो, दादरी टर्मिनल पर इनलैंड कंटेनर डिपो सम्मिलित है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल गाजीपुर, राजघाट, रामनगर, वाराणसी एवं प्रयागराज टर्मिनल पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के किनारे विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित हैं। दादरी गौतम बुद्ध नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ओडाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी विकसित किया जा रहा है जिससे सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में 100 एकड़ भूमि में भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव इनबाउंड व आउटबाउंड कार्गो के लिए
ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसमें 5 शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है। आगरा में मेट्रो रेल का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है। नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों, विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना भी की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जनपदों को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो रही है। उद्यमी अपनी इकाइयां सुगमता पूर्वक लगा सके, इसके लिए प्रदेश में लैंड बैंक के माध्यम से पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है। राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण का डेयरी सेक्टर में अपार अवसर हैं। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न, दूध और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के पास एमएसएमई क्षेत्र का सबसे बड़ा बेस है। वर्तमान में राज्य में लगभग 90 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए परंपरागत एवं विशिष्ट उत्पाद चिन्हित कर एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि प्रदेश में निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में निर्यात उत्तर प्रदेश का दुगना हुआ है। हमारा प्रदेश विश्व प्रसिद्ध भदोही कालीन क्लस्टर, वाराणसी सिल्क क्लस्टर सहित भारत के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश भारत का 3रा सबसे बड़ा फैब्रिक उत्पादक है। फैब्रिक उत्पादन कताई बुनाई परिधान डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग के कई अवसर प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी है, जहां देश के प्रमुख आध्यात्मिक धार्मिक पौराणिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के साथ ही अनेक नैसर्गिक स्थल हैं। ये सभी स्थान बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके दृष्टिगत पर्यटन भी एक प्राथमिक सेक्टर है, जिसमें प्रदेश निवेशकों के लिए सहयोग का एक प्रमुख गंतव्य हो सकता है। हमारी सरकार नई पर्यटन नीति के माध्यम से रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, क्राफ्ट सर्किट जैसे अनेक नए पर्यटन गंतव्यों का विकास भी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटीएस सेक्टर में उत्तर प्रदेश का भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 45% योगदान का गौरव भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। यहां भारत के मोबाइल कंपोनेंट के लगभग 55% निर्माता हैं। भारत के लगभग 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं। 200 से अधिक ESDM कंपनियां प्रदेश में स्थित हैं। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का फेब यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तेजी से भारत का डाटा सेंटर के प्रमुख हब के रूप में भी उभर रहा है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में भारत सरकार द्वारा राज्य को लीडर स्टेट्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 7,600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। 6 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में IIT कानपुर, IIT BHU, IIM लखनऊ सहित
उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति, वेंचर कैपिटलिस्ट, इंक्यूबेशन सेंटर, डेवलपर्स एवं स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उत्तर प्रदेश में एंजल इन्वेस्टर्स एवं वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए डिफेंस एवं एरोस्पेस वैल्यू चेन में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए असीम अवसर उपलब्ध है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, R&D एवं इनोवेशन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। पूरे राज्य में संचालित 72 से अधिक विश्वविद्यालयों तथा 169 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी युवा जनसंख्या का प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास संस्थानों एवं एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए व्यापक अवसर भी प्रदान करता है। इस लाभ में वृद्धि के लिए राज्य में कई औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार अनेक औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से विकास भी कर रही है। भारत में विकसित किए जा रहे 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं चित्रकूट के 6 नोड्स में डिफेंस सेक्टर में निवेश एवं व्यापार के विविध अवसर प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अलीगढ़ नोड का उद्घाटन किया जा चुका है, जबकि अन्य नोड्स में भूमि आवंटन का कार्य प्रगति पर है। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में, ब्रह्मोस तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स जैसी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। यमुना एक्सप्रेस वे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में फिल्म सिटी, ट्राय सिटी, अपेरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब भी विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में IIT, GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में ही गारमेंट पार्क, अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों का भी विकास किया जा रहा है। हमने अपनी नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन करके एक प्रतिस्पर्धी, आकर्षक एवं सहायक प्रोत्साहन ढांचा भी प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन सहित नए क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारी नीतियों के अंतर्गत मुख्यतः राज्य में उद्योग विशिष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, R&D और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। हमारे राज्य के संकल्प के अनुरूप अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी प्रदेश ने शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से है। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत हमारी सरकार ने परियोजना नियोजन के लिए महत्वपूर्ण 45 से अधिक लेयर्स को एकीकृत कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आपकी गहरी रुचि से मैं अभिभूत हूं। यहां पधारने तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी राज्य में विद्यमान अपार अवसरों का लाभ उठाने तथा नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर फॉर
sharing with us the very impressive footprints which the government of Uttar Pradesh has been able to cast in this